हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीईटी के अंदर जो आपकी टॉप पोस्ट हैं उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने तीन जॉब के बारे में पढ़ा था, आपकी एक्साइज, टैक्सेशन एंड फूड एंड सप्लाई के बारे में, आपकी वर्क क्या होने वाला है, सैलरी क्या है और प्रमोशन कैसे होती है या पर किस पोस्ट तक प्रमोशन होती है। तो टॉप फाइव पोस्टें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीन की हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी दो की यहाँ पर करने वाले हैं जिससे आपको भी आइडिया लग जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने में। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा सेक्रेटरी इन अर्बन एंड लोकल बॉडीज के अंदर, दूसरी बात करेंगे जिलेदार इरीगेशन एंड वाटर बॉडीज के अंदर। तो जो मेन काम है पहले हम वो देखेंगे, फिर सैलरी देखेंगे और फिर प्रमोशन के बारे में हम बात करेंगे। यदि आपका कोई भी आंसर है, क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर है? अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले वर्क के बारे में हम करेंगे, सेक्रेटरी की बात करेंगे सबसे पहले, फिर जिलेदार की बात करेंगे। देखिए, जो सेक्रेटरी है यानी कि जो सचिव होता है आपका नगर पालिका, दो आपकी पोस्ट है, एक म्युनिसिपल काउंसिल में आपका सेक्रेटरी की पोस्ट है सीईटी के अंदर, और दूसरी जो है आपकी म्युनिसिपल कमेटी में सेक्रेटरी यानी सचिव, नगर पालिका और नगर परिषद में सचिव की पोस्टें हैं। तो मैं बताऊंगा दोनों में फर्क क्या है, कौन सी बेहतर होगी। देखिए, सेक्रेटरी अर्बन एंड लोकल बॉडीज का जो वर्क होता है, सबसे मेन स्ट्रीट कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रोड मेंटेनेंस का काम होता है, टेंडर पास करना चेयरमैन और प्लस आपका सेक्रेटरी मिलकर ही करते हैं, दूसरा बर्थ और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी मेंटेन करना, या फिर बिल्डिंग मैप पास करना है वो भी, सफाई व्यवस्था को बनाए रखना ठीक है नगर पालिका में वो भी किसके अंडर है, लेकिन जितने भी आपके कर्मचारी किसके अंडर आते हैं, सेक्रेटरी के अंदर आते हैं। स्ट्रीट लाइट को देखना ये भी किसका काम, सारे के सारे मतलब जो मेन काम है ना नगर पालिका में वो किसके अंडर आते हैं, आपके सेक्रेटरी के, जो मेन हम बात कर चुके हैं यहाँ पे ठीक है, आइडिया आपको लग जाएगा यहाँ पर। अब सैलरी यहाँ पर देखेंगे आप, लेवल 6 है ठीक है, लेवल 6 यानी कि 35,400-4,200 ग्रेड पे की है, तो आपकी इन हैंड आपको 48,000 से 50,000 के बीच में मिलेगी, क्योंकि आपकी अलग अलग जगह पर मेंटेन करती है आपको नौकरी कहाँ पे मिली है ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करती हैं, तो 48,000 से 50,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी, बढ़िया सैलरी है। प्रमोशन की बात करें तो आप सेक्रेटरी लगेंगे ठीक है म्युनिसिपल कमेटी में, उसके बाद आपको मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सेक्रेटरी, फिर आपको सेक्रेटरी मिलेगा म्युनिसिपल काउंसिल में, ये भी आपकी अलग से पोस्ट आई हुई है आप देखेंगे, यानी कि सेक्रेटरी म्युनिसिपल कमेटी में आप लगते हैं तो मिनिमम 5 साल का तो एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए प्रमोशन के लिए, उसके बाद कभी भी हो सकती है, वो वेरी करता है आपकी कि वैकेंसी खाली है या नहीं है, तो ये आपका मैटर करता है। अगर वैकेंसी होंगी तो जल्दी ही आपको प्रमोशन मिल जाएगी, ये नहीं होगी तो लेट भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर 5 साल। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है वो काउंसिल पर होती है सेक्रेटरी की। क्लियर है? ये भी आपकी पोस्ट निकली हुई है सीईटी में, आप देख लेना ठीक है, वो मैं बात कर चुका हूँ अलग से वीडियो में कितनी पोस्ट है कितनी नहीं है। उसके बाद म्युनिसिपल आप काउंसिल लगते हैं सेक्रेटरी में, तो उसके बाद इसमें भी मिनिमम क्राइटेरिया है 5 ईयर एक्सपीरियंस का, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बाद कभी भी आपकी प्रमोशन हो सकती है उसके बाद ईओ की पोस्ट पर यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर। तो ये आपके तीन हैं, सेक्रेटरी, फिर काउंसिल सेक्रेटरी लगेंगे, फिर ईओ यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप लगते हैं। तो यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाने के लिए मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट होती है 10 साल का एक्सपीरियंस 5+5 का। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, वैकेंसी है या नहीं है और भी चीज़ें आप लोगों को पता है मैटर करती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होती है डीएमसी ठीक है, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल आपका जो कमिश्नर होता है, ये बहुत कम चांसेस होते हैं आपके यहाँ पर मिलने के, क्योंकि ये आपकी गैजेटेड जो है पोस्ट है वो अलग से। तो यानी कि सेक्रेटरी में आप मान के चलिए ईओ की पोस्ट तक आपका, यहाँ तक आपका प्रमोशन होगा अगर आप सेक्रेटरी लगते हैं तो म्युनिसिपल कमेटी में। क्लियर है? तो ये आपका था एक जॉब प्रोफाइल का एक ब्रीफ आइडिया आपका सेक्रेटरी इन अर्बन एंड लोकल बॉडीज में। उसके बाद जिलेदार की हम बात करते हैं। यदि आपने एक्साइज इंस्पेक्टर और टैक्सेशन और फूड सप्लाई की नहीं देखी है तो मैंने एक साथ आपका डिफरेंस बता दिया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट जिलेदार की हम बात करते हैं इरिगेशन एंड वाटर बॉडीज। नाम से ही पता चल रहा है इरिगेशन और वाटर बॉडीज में इसका काम होता है, यानी कि कैनल वाटर का जो रिवेन्यू है किसानों से वो कलेक्ट करना ठीक है, कितना पानी वो यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा आपके जितने भी इरिगेशन और वाटर के डिस्प्यूट हैं फार्मर्स के बीच में उनको सोल्व करना, रिजोल्व करना, ये भी किसका काम होता है, जिलेदार का काम होता है। तो ये जिलेदार का काम आपका देखेंगे, कैनल पटवारी इसके अंडर काम करते हैं, ये आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। कैनल पटवारी की भी पोस्ट है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे कैनल पटवारी से आप जिलेदार बनते हैं, ठीक है, उसकी भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपका बना तो मैं ऑलरेडी चुका हूँ, यदि आपको ब्रीफ लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो मैं दोबारा भी वहाँ पर बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस वहाँ पर हुए हैं। तो यानी कि रिवेन्यू से संबंधित है आपका और झगड़ों से संबंधित है इरीगेशन और वाटर से, ठीक है, ये मेन काम होता है यहाँ पर, कैनल पटवारी इसके अंडर काम करते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये भी लेवल 6 की ही पोस्ट है, ठीक है, इसमें भी 48 से 50 हज़ार आपकी इनहैंड सैलरी आपको मिलेगी। यदि आप जिलेदार लगते हैं तो जिलेदार से आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है DC यानी कि डिप्टी कलेक्टर का, और ये आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के थ्रू होता है, ये आप याद रखेंगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू जिलेदार से आपका डिप्टी कलेक्टर का, क्लियर है। तो ये थी आपकी ब्रीफ एक डिस्कशन आपका टॉप 5 पोस्ट के बारे में, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए, हालांकि 6 हो गई है क्योंकि काउंसिल की भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो 5 जो टॉप पोस्टों में आती है, ये मैं बात कर चुका हूँ ग्रेजुएशन लेवल की, आपकी एक्सेशन, टेक्साइड, फूड एंड सप्लाई, काउंसिल और आपका कमेटी में सेक्रेटरी और जिलेदार। तो ये टॉप 6 आप काउंट कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि CET में आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी चाहिए, ठीक है। तो यदि आप भी CET की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, तो आपको प्लेलिस्ट कंप्लीट बनी हुई मिलेगी हर एक चीज़ की। तो चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको हर एक चीज़ का वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे वो आपकी हरियाणा जीके हैं, चाहे वो आपकी मैथ है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो हिंदी है, आपका सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, डिक्टो आपको सिलेबस वाइज है, क्लियर है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं PDF लेने के लिए, माई एग्जाम बाई भूपी दिया, तो वहाँ पर आप सर्च करते हैं सारी PDF जो भी हम डिस्कस करते हैं वीडियो में, तो वहां पर मैं डालता रहता हूं, तो वो भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट जो वीडियो के बारे में हम बात करेंगे, हो सकता है एक तो मैं बना चुका हूं कैनल पटवारी ग्राम सचिव की, कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। थैंक यू।